मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिलफाटा के रहने वाले मोहम्मद शाकिब पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें शाकिब गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमला करने वाले लड़के का नाम शफीक बताया जा रहा है, जिसने मोहम्मद शाकिब के हाथ पर वार किया है, जिसमें शाकिब के एक हाथ की 3 नसें कट गई हैं, यहाँ तक कि हड्डी में भी जख्म हुआ है। शाकिब को मेडफोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके हाथ का सर्जरी किया गया है। परिवार के लोगों ने इस हमले के संदर्भ में शील डायघर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। मोहम्मद शाकिब ने बताया कि 13 मई को शिलफाटा पर एक दुकानदार से 3 से 4 युवकों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। तभी मोहम्मद शाकिब भी वहां पहुंच गया और लड़कों को शांत कराने लगा, मगर उन लड़कों के साथ मोहम्मद शाकिब का ही विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस मामले को उस वक्त सेटल करवा दिया था। मगर कल 19 तारीख को दोपहर में 3 से 4 लड़के शिलफाटा पर मोहम्मद शाकिब को रोककर बात करने लगे। तभी अचानक से उन लड़कों में से शफीक नाम का लड़का जो है वो चाकू से वार कर दिया। शाकिब के हाथ में गहरा जख्म है, नसें कट गई, हड्डी तक जख्म हुआ है। हालांकि सर्जरी करने के बाद अब शाकिब की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, मगर वहीं शाकिब के रिलेटिव मोहम्मद बिलाल चौधरी ने बताया है कि पुलिस ने अभी तक हमला करने वाले शफीक को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने 324 और 504 के तहत मामला दर्ज किया है, मगर इनकी ये मांग है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का ये मामला है और पुलिस इसके तहत जो है मामला दर्ज करे और आरोपी को गिरफ्तार करे। मोहम्मद शाकिब और उनके रिलेटिव मोहम्मद बिलाल चौधरी ने इस हमले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिब। अच्छा, किससे हुआ ये विवाद आपका, किसने मारा आपको? उस सिलफाटा पे मैं घर से निकल रहा था तो 3-4 लड़के एक दुकान वाले अंकल को गाली दे रहे थे। तो मैं बोला भाई जाने दो, बुजुर्ग आदमी क्यों गाली दे रहे। तो उसी में थोड़ा मुँह मारी हो गई, मचमच हो गई। उसके बाद बाद में मेरे दोस्त लोग उन लोग को ढूंढ रहे थे, मिले नहीं। फिर दो जन दोनों साइड से बड़े आए, बोले कि ख़त्म कर लो, सेटल कर लो, सब कुछ सॉल्व कर लो, ये सब करके मतलब नहीं है। तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर कल अचानक से एक लड़का आके चाकू से मार दिए। अच्छा, ये गाली दे रहे थे उसको, ये कब की बात थी? कौन? चाचा को जो गाली दे रहे थे, 13 तारीख की। 13 तारीख। और आप पे ये वार कल हुआ? कल हुआ। तो किसने किया ये वार? वो लड़का शफीक नाम है। अच्छा, जानते हो आप उसको? हाँ। तो काय से वार किया उसने? चाकू से। पुलिस में कंप्लेन वगैरह? हाँ किए हैं। अच्छा, क्या बोल रहा था वो? ऐसा कुछ उसी वजह से किया या कोई और मामला था? नहीं, वही वजह से। अच्छा, उस टाइम पे भी वो था वहाँ पे क्या? हाँ। क्या बोल रहा था, उसका कहना क्या था? वही उस दिन वही झगड़े को लेके बोल रहा था, बात ही कर रहा था। अचानक से वो चाकू निकाला, पीछे से मार दिया। अच्छा, ये पूरी वारदात कहाँ पे हुई? ये अपना सिलफाटा पे। अच्छा, कुछ टाके वगैरह हाथ पे लगे? कितने टाके? ज़्यादा है। कहाँ पे? और अंदर बाहर दोनों साइड। अच्छा, कितना जख्म, कितने जगह पे? एक ही जगह पे, हाथ पे। क्या नाम है आपका? बिलाल चौधरी। अच्छा, ये जो इनके ऊपर हमला हुआ है, अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं इनको लेकर, क्या बताना चाहेंगे? कितना जख्म हुआ है, क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ है इनके हाथ में, क्या कितनी नसें कटी थी? सुन में आ रहा है हड्डी में भी जो है जख्म हुआ है, कैसे? ऐसा है कि तकरीबन 12 से 12:30 बजे का कल का वाकया है, जिसमें इस पर हमला हुआ चाकू से। तब हॉस्पिटल में लेके आए हैं तो डॉक्टर बता रहे हैं 3 से 4 नस उसकी कट चुकी है और हड्डी भी अलग हो गई है। आप फोटो है, फोटो में देखेंगे आपको पता चलेगा। सो कल इनकी सर्जरी हुई है, 4 से 4.5 घंटे इनकी सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने इनकी सर्जरी की, रिपेयर वगैरह की है, डॉक्टर ने रिपोर्ट भी दी है उनकी। सो जो उनको जो मार लगी है काफ़ी गहरी है। अभी फ़िलहाल तो उनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी परमानेंट कैसा है वो तो अभी डॉक्टर ही बता पाएंगे। तो पुलिस से क्या मांग है आपकी, क्या FIR वगैरह हुई है इसमें?
जी FIR तो हमने दर्ज किए हैं, पुलिस ने भी फिलहाल सेक्शन 324 और सेक्शन 504 रेस किए हैं ये हमले के तहत, बट हम लोग अभी पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, सो इस पे एटलीस्ट 307 की सेक्शन धारा लगाया जाए, क्योंकि ये 324 वाला वाकया नहीं है, ये प्रॉपरली डिलिबरेटली वो इसको मारने के लिए आए थे, पेट की तरफ उनको चाकू मारे, बस इसने हाथ हटा लिया, आप देखेंगे तो उनके कंधे पे भी थोड़ा सा खरोच है, वो अपने डिफेंस पे वो हट रहे थे लेकिन आखिरी में मारने से जाने से पहले उसने हाथ पे मार के चला गया, बट ये डिलिबरेटली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। कुछ FIR होने के बाद कुछ पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे? कुछ नहीं हुआ अब तक हमें कुछ भी न्यूज़ नहीं आया पुलिस से, पुलिस मुझे लगता भी नहीं है कि कल जो हॉस्पिटल में आई थी उसके बाद से पुलिस वापस हॉस्पिटल में भी नहीं आई है, शायद से वाकया पे पहुंची भी है कि नहीं वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, हम पुलिस से यही बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कीजिए, 324 मत लगाइए, 307 लगाइए, क्योंकि डिलिबरेटली अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, तो इसको 307 लगाइए और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने की कोशिश, हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।